किसी भी व्यक्ति का यदि अच्छा जीवन चल रहा है तो किस प्रकार हम हाथ में देखेंगे। हाथ हमें वर्तमान की सभी कहानियाँ बता देता है। यदि तीनों मणिबंध स्पष्ट दिख रहे हैं तो उसका जीवन अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। अब देखिए, दूसरा मणिबंध इस हाथ में खुल गया है तो ये धन की समस्या और करियर की समस्या बहुत जटिल कर देता है। और अगर तीसरा मणिबंध खुल जाए तो हमारी सेक्स लाइफ और विवाह ये सब चीज़ का सुख नहीं मिलेगा, इसकी जगह हमें धोखा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शुक्र का पर्वत यदि इस प्रकार तिल लेकर बैठा है तो बहुत सारी मुश्किल तो आएगी ही आएगी, और हमारी जो स्वास्थ्य है, सुंदरता है, उस पर भी ये अटैक करेगा। यही देखिए, एक तिल और है इनके यहाँ पर जो शनि पर्वत और राहु पर्वत के बीच में आ गया है। तो ये सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार यहाँ पर तिल बनता है तो वायु तत्व से लेकर वायु तत्व से संबंधित चीज़ों में परेशानियाँ होंगी, जहाँ पर कह सकते हैं सांस हमारी जो शरीर में आती और जाती है, जिस प्रकार वायु चलती है उसमें व्यवधान जरूर करेगा इस प्रकार का तिल। और ये तिल अब बड़ा भी हो गया है। तिल के बारे में कहा जाता है कि तिल अगर लाइन पे ही बन जाए, किसी भी लाइन पे हो, इसमें तो माइंड लाइन पे आ गया है, लेकिन यही तिल अगर मान लीजिए कि थोड़ा नीचे बना होता तो इतना ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जब लाइन पे बनता है तो बहुत सारी दिक्कत करता है। अब इनका ये सवाल है कि किस प्रकार इनकी शादी होगी और कैसे शादी होगी। तो शादी के लिए सबसे पहले हम मैरिज लाइन देख लेते हैं। मैरिज लाइन वीक जा रही है, नीचे झुकी हुई है, तो इसलिए अगर हम ऊपर वाली लाइन को कंसिडर करते हैं तो ये लगभग 30 साल के आसपास इनका अच्छा विवाह होने की संभावना है। तीसरा मणिबंध भी हमें अच्छी सेक्स लाइफ और विवाह के बारे में बताता है। वर्तमान में अगर ये खुला है तो सीधी बात कही जा सकती है कि विवाह में अभी समय है। गुरु का पर्वत भी विवाह के लिए देखा जाता है, जो बहुत अच्छा बना है और केंद्रित भाव से उभरा हुआ है। इस प्रकार की लाइन यदि चलती है तो ये अच्छी गृहस्थी को बताती है और अच्छे धार्मिक संस्कार को भी बताती है। अगर हम उंगली पर देखें, बृहस्पति उंगली पर देखें, तो ये वाला जो भाग है ये अपेक्षाकृत छोटा हो गया है। और यही हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो समन्वय होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, बॉन्डिंग होती है, ये उसे दर्शाता है। यदि आप बाकी उंगलियों से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो बड़े बने हुए हैं मध्य भाग, लेकिन गुरु वाला बृहस्पति उंगली का ये वाला भाग कमज़ोर हो गया है, छोटा हो गया है। तो इसीलिए शादी में और पार्टनर के प्यार में, प्रेम में कमी बनी रहेगी। इनका और भी सवाल है कि बिज़नेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। जब भी बिज़नेस लाइन अच्छी बनी हो, इस प्रकार बिज़नेस लाइन होती है, और यदि ये बुध की तरफ देख रही है, लाइन थोड़ा वीक है, अभी थोड़ा और आगे आना चाहिए, लेकिन इतनी भी लाइन बनी है और बुध की तरफ देख रही है तो ज़रूर हमें अपने व्यवसाय पर ही काम करना चाहिए। शनि पर्वत पर विष्णु सिंबल तो बना हुआ है जो हार्ड लाइन बना रही है, ये भी एक अच्छी गृहस्थी को दिखाता है, एक अच्छे फ्यूचर को दिखाता है, कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति को दिखाता है। लेकिन अगर शनि वक्री हो गए, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर लाइन देख रहे हैं, लाइन काली हो गई है, यहाँ पर तिल भी हो गया है, तो शनि भगवान की समस्या यहाँ पर जटिल आ रही है। ऊपर का पूर्वा यदि हम देखेंगे तो ये खुला हुआ ही मिलेगा। अब इनका एक सवाल और है कि इनकी तबीयत बहुत सारी गड़बड़ होती है। तो जब शनि पर्वत पर इस प्रकार का तिल बनेगा, जैसा मैंने आरंभ में कहा कि वायु तत्व जो है वो शरीर का बिगड़ जाता है। यदि हम चंद्रमा देखें, मन इनका, तो मन की ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मन पे अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन चंद्रमा के नीचे वाले सेगमेंट में, यहाँ देखिए मणिबंध, पहला जो मणिबंध का पार्ट होता है वो आगे जाके इस प्रकार यदि आईलेट लेगा तो इसका असर चंद्रमा के पर्वत पर अब चालू होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब ज़रूर ये चालू होगा। तो ओवरऑल ये जानना चाहती थी कि जीवन किस प्रकार अच्छा और बेटर हो सकता है। तो जहाँ तक शादी की बात है उसमें बहुत सारे अड़ंगे लगे हुए हैं,
तो एक एक करके हम इन्हें दूर करेंगे, दो या तीन रेमेडी हो सकती है। बिज़नेस के लिए बिल्कुल ट्राई करिए और बिज़नेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन यदि हम इनका दूसरा मणिमन देखें तो वो मुझे वीक दिखता है। तो मेहनत तो अभी करनी है। जब भी शनि का पर्वत गड़बड़ होता है, इस प्रकार से वक्री लाइन चले या इस प्रकार से यहाँ पर तिल बन जाए, तो एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में परेशानियाँ आती हैं। जीवन के हर अच्छे योग हों, हर शुभ योग हों, ये वाली लाइन और ऐसा तिल ये गड़बड़ कर देता है। सूर्य के पर्वत पर यदि साइन अच्छे हमें मिलते हैं तो हमारी तरक्की बहुत अच्छी होती है और विस्तार भी बहुत बढ़िया मिलता है। एक यहाँ पर मछली का फॉर्मेशन है लेकिन बहुत वीक है। ये मछली पहले की बनी हुई है लेकिन अब ये बहुत वीक जा रही है। एक बार पुनः देखिए, लाइन अभी भी दिख रही है लेकिन पूरी तरह अच्छी नहीं बनी है। ये मछली टूट रही है और यहाँ पे भी ग्रहण की लाइनें आ चुकी हैं। तो सूर्य पे फिलहाल तो अभी ग्रहण लगा है। ऊपर वाला पूर्वा देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर राहु की रेखाएं मिल जाएंगी। जब उंगलियों पर राहु की रेखा इस प्रकार हॉरिजॉन्टल बनाने लगती हैं तो इसका मतलब होता है कि पर्वत तो पहले ही ख़राब हो गया है और अब उंगलियां भी, जिसका हम टावर कहते हैं, जितनी भी हमारी उंगलियां हैं वो रिस्पेक्टिव पर्वतों की टावर कहे जाते हैं। अगर टावर तक, मान लीजिए उंगलियों तक इस प्रकार राहु रेखा दृष्टिगत होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये डेंजरस होता है। इसका भाव प्रभाव जो होता है उस प्लैनेट का, ये बहुत कमज़ोर हो जाता है। हार्ट लाइन इनकी अगर हम बहुत देखें, गौर से देखें, तो बीच बीच में से खुल रही हैं और अगर इस प्रकार आइलैंड बनते हैं, अब हार्ट लाइन का एक चीज़ बोला गया है कि आइलैंड कहीं भी बन जाएं। मान लीजिए आज इनकी उम्र 27 वर्ष है, अब अगर आगे की एज में भी आइलैंड दिख रहे हैं तो भी प्रेम का जो भाव होता है वो कम हो जाता है। आज की एज में भी कम हो जाएगा, भले ही वो दुर्योग हमें आगे दिख रहे हैं। लाइन जब ख़राब होती है तो उसका इफ़ेक्ट पूरी आयु भर में आ जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा आता है जहाँ वो आयु दर्शा रही है। लक लाइन इनकी श्रेष्ठ है, तो मन की शक्ति अच्छी है। यहाँ पे चंद्रमा से निकली हुई लाइन है। यहाँ पर जो संतान के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी संतान होंगी, तो संतान के भाव में हम ये वाला फैलेंज को देखते हैं जहाँ पे अंगूठा जुड़ा होता है, लेकिन इस पर भी बहुत सारा डिस्टरबेंस है, तो संतान पे भी अभी काम करना पड़ेगा। अभी मैं संतान के बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर किसी भी ब्लॉक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अच्छी संतान के लिए इस प्रकार के ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है। छोटी अगर ब्लॉक बनते हैं तो ये कन्या संतान को दिखाती है, बड़ा अगर ब्लॉक बनता है तो ये पुत्र संतान को दिखाती है। लेकिन अगर हम एक बार फिर से मैं फोकस करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस दिख रहा है और ये जो नीचे का फैलेंज है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये वाला जो सेगमेंट है ये भी वीक पड़ रहा है। तो इसमें जैसा मैंने बोला कि दो या तीन रेमेडी इसमें हो सकती है। इसमें मंगल पर्वत भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। देखिए ये डबल लाइन यहाँ से निकलती है और यहाँ से 27 के आसपास एक लाइन यहाँ से भी है जो 27 के आसपास, जो इनकी लक लाइन को काट रही है। लक लाइन अगर जिस पॉइंट पे कटती है वहाँ सबसे ज़्यादा भारी दुख होता है। तो सर यहाँ पर आइलैंड भी है और इस लाइन ने काट भी दिया है। तो अभी इनको कम से कम साल भर रुकना चाहिए, साल भर जो रेमेडी है वो करना चाहिए और अपने योग बढ़ाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक इनके विवाह का सवाल है तो अभी रेमेडी में समय लगेगा। रही बात है बिज़नेस की, तो वो बिल्कुल किया जा सकता है कुछ प्रिकॉशंस लेते हुए। इसी के साथ में मैं इन्हें ये भी कहना चाहूँगा कि माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है, कल्पनाशीलता अच्छी है इनकी। इस प्रकार माइंड लाइन झुकती है जब चंद्रमा की तरफ तो मनोबल बहुत अच्छा रखती है। माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छा जो मुझे लगा है चंद्रमा का पर्वत और इनकी माइंड लाइन। तो मनोबल और अपनी मानसिक शक्तियाँ जो इनके पास में हैं उसका उपयोग करना है
और अपने योग और भोगों को अच्छा करना है, सुस्पष्ट करना है, आगे बढ़ने की जो दिशा है, रास्ते हैं, उसे और मजबूत करना है। श्री गणेश करें। पामलोक।